देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत रिकग्नाइज नहीं है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है। तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तहत रिकग्नाइज हैं वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक्र सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। एक बार एक चीज मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार बार सवाल उठते हैं। वैसे में अगर कोई सरकार चीजों को रेगुलराइज कर रही है, क्यों रेगुलराइज करेंगे? क्या रेगुलराइज कर क्या रेगुलराइज करेंगे आप? जो मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में, वो आपके रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं, आप नहीं, आप क्यों क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने नहीं, आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना? आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप करें कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई, ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को? रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा अख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है, आप ये छोटा NRC है, मैं तो कहूंगा ये कौन एंटीनेशनल है? कहाँ एंटीनेशनल है बताओ, कहाँ एंटीनेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं? ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आजादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आजाद करवाए थे? बेशर्मी की हद हो गई है। सुनिए सुनिए, आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहां पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली लोगों को, 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही हो लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप? ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम, ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हैरास करना, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप, आपका मकसद यही है। सर, आपने एक ट्वीट किया है, आखिर क्यों मोदी सरकार रशिया में चाइना की आर्मी के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? एक क्या 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 तमाशा हो रहा है ये?
लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है, और फिर हमारे ग्रेजिंग राइट्स में उस 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, हम अपने जानवर को ले जाकर वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। 50,000 के करीब फौज हमारी चीन की फौज के खिलाफ खड़ी भी है, आप उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर बोलते कि चीन से रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि वो बॉर्डर का इशू हजल नहीं करेंगे। क्या हम क्या जवाब देंगे उन सिपाहियों को, फौज को, जो हजारों फीट के ऊपर ठहरकर भारत की जमीन से चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उनसे आंख में आंख डाल रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि चीन की फौज के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? क्या मजाक बना के रखा है मोदी सरकार ने हमारी देश की आर्मी का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, भारत की सॉवरनिटी का? सर, ममता बनर्जी ने भी एक्सेस की तारीफ कर दी। हाँ, 2003 में उन्होंने उनको पेट्रियट कहा था और आरएसएस ने उनको दुर्गा कहा था, और जब चुनाव आ गए तो फिर शुरू हो गई सेकुलरिज्म। अब कह रही हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं। हम ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे हैं कि कब तक आप भारत के और बंगाल के मुसलमानों के आंखों में धूल झोंकेंगी? आप आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो सुबह में ओत लेता है, वो ममता बनर्जी पढ़ के सुनाए? हाँ, ये अलग बात है कि जन्योधारू एक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या बात है? आरएसएस को आप तारीफ कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बोलते हैं कि भाजपा को रोकने वोट दो, कि आरएसएस भाजपा में फर्क है कोई? ये अब जो टीएमसी में जो मुसलमान चेहरे हैं, जो टीएमसी में जो लोग हमको उंगलियां उठाते थे, अब बोलो क्या बोलना है उस बारे में? क्या विकल्प देंगे आप मोदी के बारे में? इसके पीछे क्या मतलब है सर, क्यों आप सोचते हैं कि ममता ने ऐसा बोला होगा? अब उनको पूछिए, आपने हमसे सवाल किया, उनके बयान पर हम बोल रहे, वो खुद बताएंगी। पहले भी 2003 या 4 में भी उन्होंने आरएसएस को तारीफ की थी, आरएसएस की, वो भी रिकॉर्ड है, और आरएसएस ने उनको कहा था कि दुर्गा है ये, तो अचानक ये मोहब्बत पैदा हो गई, तो इसका मतलब है शुरू से मोहब्बत थी। नहीं नहीं, शुरू से मोहब्बत थी, मगर हम लोग, हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है ना सेकुलरिज्म का, हमारे आंखों पर सेकुलरिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है, तो अब ये पर्दे हट रहे हैं, लोग देख रहे हैं अब। नहीं, इस बारे में तो जो दो मुख्यमंत्री बैठे थे वही बताएंगे। मैं ना मुख्यमंत्री हूँ ना संतरी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूँ और बैठ के सब देख रहा हूँ। कई मसलों पे आप? हाँ, नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं, देखिए, ये दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे, हम क्यों बता पाएंगे उस बारे में? नहीं नहीं, सुनिए, हम तो बी टीम, सी टीम, हम मिले हुए हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे आप? जो लोग जो बैठे हैं वो बताएंगे, बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं भाई, वो बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो। नीतीश कुमार उड़ गए, इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही क्वेश्चन आया कि अगले प्रधानमंत्री कौनसी की तरफ से क्यों हो गए, एकदम से उड़ गए। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो वहाँ पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा बोलूं भाई इन बातों पर? नहीं, देखिए, हम तो आपके सामने बैठे ना, उठे तो नहीं हम, आप हम कैसा बताएंगे, हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलके पूछिए आप, वो बताएंगे आपको, मैं कैसे कमेंट करूँ? नहीं, मेरे को मैं क्या बोलूंगा उसमें? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या क्या वो क्या क्या चाहते हैं, उनको ही पता, उनको ही मालूम होगा वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मुझे नहीं मालूम। तफसीली रिपोर्ट नुमाइंदा सैयद मुजम्मिल की बियावानी न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए बियावानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।